Xeno Grams are fantastic, buddy. Your hero is here with another super duper crazy vlog. I hope you all are see. So, बहुत लोग पागल बोलेंगे तो तुम बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है. कोई मेरे को पागल बोल रहा बहुत अच्छा लगता है. By the way, अभी टाइम मालूम है कितना हो रहा है? 8:30 हो रहा है. तारीख भी मैं बता दूं, 28 तारीख है. 26 तारीख को मेरा इंग्लिश का एग्जाम था, ठीक ठाक गया था, 56 से प्लस आ जाएगा. 27 तारीख को मैं कुछ नहीं किया, 27 तारीख एंड आज 28 तारीख है. तो 28 तारीख को मेरा दोस्त बोला था कि मैं आऊंगा एंड एक साथ पढ़े जाएगा, बट वो नहीं आया. एंड आज 28 तारीख का रात हो चुका है, रात के 8:30 हो रहे हैं. मैं आज मूवी देखा, मैं आज बहुत मस्ती किया, खूब बाहर घूमा फिरा, ऐश किया एंड मूवी देखा. मूवी का क्लिप तुम देख सकते हो, मैं कौन सा मूवी देख रहा था. उनको लगता है मेरे को देख के कोई बोलेगा कि मेरा परसों साइंस का एग्जाम है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं बहुत लेवल का वो आदमी है, तुम नहीं समझोगे. भाई साहब, अभी मैंने नोटिस किया इस फिल्म में गाड़ी जो है बुलेट है जो घर के अंदर लगी हुई है. सो यार, अब मूवी खत्म हो गया लगभग. मालूम है कितने बज रहे हैं? मैं तुमको दिखाता हूँ. 5:12. So, मैंने मूवी देखा, महेश बाबू का नया मूवी आया था तो मैंने उसको देख लिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा. एंड बाय द वे, अब रात हो चुका है, अभी मैं जाऊंगा वर्कआउट करूंगा एंड देन मैं आऊंगा एंड देन रात मेरे को कंप्लीट करना है. मैं तुमको बता दूं, मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं है, मेरा फिजिक्स कंप्लीट है, ना मेरा केमिस्ट्री कंप्लीट है, ना बायो कंप्लीट है. अगर मैं फिल्म देख रहा हूं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि मैंने सब कुछ कंप्लीट है. कुछ भी नहीं है यार, मैं सच बोल रहा हूं, बाय हार्ट बोल रहा हूं. बायोलॉजी है कि हां, सब चैप्टर मैंने किया हुआ है बट मेरे को रिवाइज करना है. केमिस्ट्री में मेरे से होता ही नहीं है, ना फिजिक्स होता है, मेरे को बहुत डर लग रहा था, मतलब मेरे से नहीं हो पाता है. So, दोस्त भी बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो वो कल आएगा, तो कल भी मैं तुम पढ़ूंगा तो तुमको दिखाऊंगा. बट आज रात में मेरे को अपना बायोलॉजी तगड़ा करना है एंड मेरे को फिजिक्स का कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स देखना है. तेरे को टारगेट नहीं रहेंगे कितना कंप्लीट कर सकते कितना नहीं, लेकिन जो भी होगा आई होप कि बहुत ज्यादा क्रेजी होगा. मैं कितने बजे तक जागता हूँ, मैं कितनी बार कॉफी पीता हूँ, बहुत मजा आने वाला है. लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले वर्कआउट करते हैं, क्योंकि बॉडी फिट रहेगा, अंदर से पॉजिटिव वाइब आएगा. अब मेरे को पता है बहुत सारे लोग मेरे को पागल बनेंगे, बट बोल दो कोई बात नहीं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गो, लेट्स स्पिन. I wanna be the best in the game, yeah I came to play and invest that quota. So, यार देखो, ये चॉकलेटी कॉम्प्लान एंड ये रोटी में ऐसा ही, इसका प्री वर्कआउट है मेरा मील. एंड मालूम है चॉकलेटी हॉर्लिक्स एंड नॉर्मल हॉर्लिक्स में क्या फर्क रहता है? वो पाउडर की तरह रहता है, बट चॉकलेटी हॉर्लिक्स पाउडर की तरह नहीं रहता है, ये करा करा रहता है. मैं वर्कआउट करने के लिए ट्राउजर पहनता हूँ एंड अभी मैं जीन्स में हूँ. ये जीन्स पता नहीं बड़ा खराब है, मेरा पूरा पैर दर्द कर रहा है एंड मैं ट्राउजर मिल नहीं रहा है, उसको ढूंढते हैं एंड देन वर्कआउट करते हैं. यार देखो, ये है मेरे भाई का, बड़े भाई का अलमारी, देखते हैं इसमें कोई उसका ट्राउजर है जो मैं पहन सकता हूँ. वैसे वो बड़ा क्रेजी चीज़ मंगवाता रहता है. देखो, अभी हाल फिलहाल में उसने अजियो से एक ये मंगवाया था ट्राउज़र, मैं तुमको दिखाता हूँ, सेक्सी सा है एंड इसका इसके साइड में बॉर्डर भी है. मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा बट पता नहीं भाई को कैसे अच्छा लगता है. यार इसके अलमारी में मेरे साइज का कोई ट्राउज़र ही नहीं है यार, फक क्या करें. अरे तुम इसका अलमारी देखो एंड तुम मेरा देखो कैसा है, मतलब कि इसमें तुमको क्वांटिटी मिलेगा एंड इसमें तुमको क्वालिटी मिलेगा. देखो, टाइम हो चुका है, बस 11 बजने ही वाला है एंड मैं तुमको बता देता हूँ, मेरे को ट्राउजर मिला नहीं तो मैंने एक ब्लैक वाला जीन्स, बहुत टाइट था एंड ये वाला जीन्स थोड़ा हल्का है तो मैंने इसको पहना एंड देन मैंने वर्कआउट कर लिया. तुमने देख लिया, अब एक सही अच्छा सा मुहूर्त देख लेता हूँ मैं एंड उस वक्त मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, उससे पहले थोड़ा तैयारी कर लेता हूँ. सबसे पहले मेरे को करना है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में सबसे पहले मैं करूँगा रिप्रोडक्शन. देखो यहाँ पे चैप्टर, सबसे पहले मैं करूँगा रिप्रोडक्शन, देन मैं करूँगा लाइफ प्रोसेसेस एंड देन मैं हेरिडिटी कर लूँगा एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी मैं थोड़ा सा देख लूँगा. सो चलो, देखो मेरे को नहीं पता मैं कितना करूँगा, मैं कब सो जाऊँगा, कुछ भी नहीं पता, बट स्टार्ट कर देता हूँ. स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना तो कहीं तो पहुंच जाएंगे. आई होप कि तुम लोगों को मेरे ब्लॉग्स में मज़ा आता होगा, क्योंकि मैं ब्लॉग को इस तरह से डिज़ाइन कर देता हूँ कि तुमको मज़ा आएगा. सो ये है बायोलॉजी, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. सो इसको निकाल के रख देते हैं एंड सही सा मुहूर्त देखते हैं, मूड बनाते हैं एंड स्टार्ट कर देते हैं. उससे पहले सुंदर सुंदर लड़कियों को इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि मोटिवेशन आ जाए अंदर से. यार ये कितनी ऑसम है. सो यार देखो, 11:45 हो चुके हैं लिटरली एंड अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने. वैसे तो मेरे को बहुत ज्यादा नींद आ रहा है बट कोई नहीं यार, करना पड़ेगा क्योंकि 2 दिन बचा है, 29 तारीख हो जाएगा 15 मिनट बाद. मैं कमेंट पर रहता था यूट्यूब वीडियोस का, तो मेरे को एक प्रिंस नौतियाल नाम का एक बंदा था जो कि बोल रहा था कि तुम मेरे नाम अगर वीडियो में लोगे तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा. तो भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं अलग लेवल का चूतिया लड़का हूँ, तो तुम मेरी तरह मत करो. देखो मेरा मकसद क्लियर है,
मेरे को साइंस एग्जाम में बस पास करना है, तो मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा क्या है वो तुमको पता रहना चाहिए कि तुमको क्या करना है। सो मेरा सही है इसलिए मैं पढ़ते ही ना, मेरा मन ही नहीं लगता है यार, तुमको कैसे बताऊं। सर कोई नहीं भाई, तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो, मैं अपने दिल से बता रहा हूँ, प्लीज पढ़ ले भाई, प्लीज पढ़ ले, अपने लिए नहीं तो माँ बाप के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं भी उन लोगों के लिए पढ़ता हूँ, क्योंकि यार बहुत पैसा खर्चा हुआ है मेरे पढ़ाई के ऊपर। अब डायरेक्ट पढ़ाई करते हैं। सो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। यार देखो एक बात मैं सीख गया हूँ, दोस्त के चक्कर में नहीं रहेंगे यार, मरा जाता है वो रहता है ना, तो मैं उससे पूछता हूँ एंड याद हो जाता है जल्दी जल्दी, मतलब आधा घंटा में लिटरली एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बट मैं अपने से कोशिश कर रहा हूँ। सो बहुत धीरे धीरे होता है, तो मैंने रीजनरेशन तक कर लिया है एंड मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, 12:05 हो रहा है, बट अब मैं सो रहा हूँ एंड मैं कल सुबह उठूंगा जल्दी 5-6 बजे एंड देन इसको याद करूँगा। लेट्स टर्न ऑन द फैन, 3 पे करो एंड जल्दी जल्दी पानी पियो। चलो कोई नहीं, मैं तुमको बता दूं मेरा तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, कल मैंने बैक वर्कआउट किया था तो मेरा पूरा बैक दर्द कर रहा है, शोल्डर तक दर्द कर रहा है, मेरा पूरा बॉडी पेन हो रहा है, मेरा गला खराब है, मेरा नाक भी खराब है, हर चीज खराब है, मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि सुबह से मेरा वॉच डिस्चार्ज है बट मैंने उसको अभी तक चार्ज में नहीं लगाया है, अभी भी ये लो है देखो। सो मेरा रिप्रोडक्शन लगभग सब कंप्लीट हो चुका है। देखो लाइव प्रोसेस मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट है, ही एडिटिंग वाला जो चैप्टर था वो भी मेरा कंप्लीट है, बस मेरे को जो लास्ट वाला था ना जो एक्स वाई वाई एक्स वाई ये वाला मेरे को देखना है, मतलब कि आज मेरा भाई हो एंड इंशाल्लाह फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। यार दुआ करना मेरा तबीयत ठीक हो, क्योंकि अगर तबीयत ठीक नहीं रहा तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा एंड पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा दोस्त आएगा तो उसके साथ नेक्स्ट ब्लॉग शूट करेंगे, तुम सब्सक्राइब करके रखो, मेरे को अभी दिमाग में कोई शायरी भी नहीं आ रहा जो मैं बोल दूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मतलब नेक्स्ट तक इतने रिव्यूज ब्लॉग्स के साथ स्टे सेक्सी बाय एंड ना प्लीज़ मेरी तरह मत बनना, मैं बहुत पागल वाहियात इंसान हूँ, पढ़ते रहो क्योंकि पढ़ोगे तभी कुछ करोगे एंड तुमको जिस फील्ड में जाना है बस उस फील्ड के लिए मेहनत करते रहो, स्टे सेक्सी बाय। यार जाते जाते एक शायरी सुना लेता हूँ, मेरे को नहीं पता मैंने प्रीवियस व्लॉग में बताया कि नहीं, बट मेरी किस्मत में वो है या नहीं पता नहीं, मेरे किस्मत में वो है या नहीं पता नहीं, और उसे पाने की ख्वाहिश छोड़ कैसे दूँ जो दिल में बसी है और दिल को भी पता नहीं। आवाज़ थोड़ा ख़राब है बट प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बाय।